यार नमस्कार, जय सियाराम। इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कक्षा दसवीं की गणित। कक्षा दसवीं गणित में हम आपको बताना चाहते हैं अध्याय नौ है, चैप्टर नौ है, पाठ का नाम है आपका त्रिकोण विधि के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम आपको बताएंगे उदाहरण चार। हमने इसके पीछे के वीडियो में आपको बताया उदाहरण तीन लगवाया, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। उदाहरण चार भी बेस्ट क्वेश्चन था, जो 2020 में आया था, मतलब वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते भैया, आ जाते हैं। आपको कोई से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए और गणित में तो अच्छे से अच्छे चाहिए, तो तैयारी आपको बेहतरीन रखनी पड़ेगी। तो आपको भैया पूरी तैयारी करनी है। आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं सब आपको एक एक बार तो लगा लेना, कोई मत छोड़ना। अगर आपको बेस्ट नंबर चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो आपको पूरे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आप इनकी विधि सीखो और इनको रटो मत, के बार बार लगा के वही रट लो मारो। रटना बहुत बुरी चीज है, भूत जाती है, आप उनको धोखा देगी वो। आप पेपर में बैठोगे, पता चला करने को बैठे, पढ़ रही है फिर ना ध्यान आएगा, रटने की चीज तुरंत भूल जाती है। अगर आपसे बनते तो वह सीधा काम करोगे, आप लगाते जाओगे, करते जाओगे, धीरे धीरे आप सब बाइंड में चढ़ते जाएंगे, हो जाएगा। तो भैया इसमें क्वेश्चन को सबसे पहले इसको पढ़ो, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें है नहीं बड़ा, जितना आधा आधा किया उतना अपन करते चलेंगे शुरुआत से। तो जैसा कहेगा क्वेश्चन वैसे ही अपन करते चलेंगे, आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब हमने लगाया था जी, हमारे पेपर, जब हमने खुद के पेपर देते 10 मिनट जब आया था, हमने लगाया भी नहीं था, तो ऐसा क्वेश्चन आया था जी। हमने लगाया था, हमें विधि बस बनाती, तो हमने जैसो भी कह रहे थे वैसा लगाया था, लेकिन थोड़ी कहा ना, थोड़ी बोली गलत आया था, ज्यादा बिल्कुल थोड़ी, एक आंसर तो हम बिल्कुल परफेक्ट आया था, लेकिन नीचे का गलत हो गया था थोड़ी। कहा ना तुम्हें नक्शा चित्र उल्टा बन गया, तो थोड़ी बिंदु उल्टे रख गए थे वहां, पी के वजह से हो गए। अब इसमें दिया क्या अपन को, भूमि की एक बिंदु से, भूमि की एक बिंदु पी से, जो हम तो क्वेश्चन बनो नहीं है, तो सो हमें इतना ध्यान है, 3 4 साल हो गए तो हमें ध्यान है। भूमि की एक बिंदु पी से, जो भूमि की एक बिंदु पी से, भैया भूमि को एक बिंदु पी है, कहीं भी तुम बैठा लो, एक बिंदु पी है, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के, अब जैसे अपन इतने बैठे पी इधर बैठो, ये जैसे पी इधर बैठो, 10 मीटर ऊंचे भवन सामने रखो बिंदु पी के। अब जैसे बिंदु पी हमें तो रख लें, जैसे बिंदु पी जो है पी रख लो, बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन है, तो इधर हम बना देते 10 मीटर ऊंचे भवन बना लो, ठीक है। 10 मीटर जो ऊंचा क्या होगा, भवन हो, इस पे और भी बनाने तो थोड़ी देर से करना पड़ेगा, ठीक है। बिंदु पी इस पे अपन 10 मीटर ऊंचे का भवन बना ले, ठीक, 10 मीटर ऊंचा हमने भवन बना लिया, 10 मीटर ऊंचा, ठीक है, इतना इधर भवन जो कितना ऊंचा है, एक ऊंचाई कितनी है भैया, ऊंचाई लगता है 10 मीटर, ठीक, ऊंचाई का दर्शा भी यहाँ लिख दिया है, ऐसा बना दिया 10 मीटर ऊंचा भवन है। अब यहाँ पर देखो, दस बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, तो भवन के शिखर रहते हैं, शिखर जी कहलाएगा, ऊपर का नीचे का कहलाता है, 5 बिंदु भवन के शिखर का, ठीक है, भवन के शिखर का, तो इसको मिला दो थोड़ी, ठीक है, मिला दे और नीचे का एक बिंदु मिला दे, ठीक है, ऐसा बन गया। फिर इसके बाद आपको देखना है बिंदु पी से है, तो इधर बिंदु पी थी अपने, बिंदु पी और 10 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन अपन ने मान लो कि जब भवन की दे दो, नाम दे दो, कुछ भी दे दो, तो इधर ए इधर बी दे 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 दिए, इधर तो जो भवन खड़ा तो इधर बनेगा ना पी डिग्री का एंगल, और जो आपके 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का बनता है नीचे, तो उन्नयन कोण नीचे बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि, जो इधर से पी देख रहा है, तो जो दृष्टि रेखा हो जाएगी जहां पे पी खड़ा है, देखो अब इधर से पी खड़ा है, इधर से देख रहा, तो उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर, मतलब क्षैतिज और जहाँ बैठा हो के स्तर क्षैतिज स्तर हो जाएगा, जिस साइड देख रहा है, तो जो दृष्टि रेखा क्षैतिज दृष्टि रेखा के भी क्षैतिज क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बनता है इसको 45 डिग्री का बनता है, ठीक। ऐसी तो अवनमन कोण, लेकिन अवनमन बनता है ऊपर, जो नीचे बनता है कितना बनता है, 10 मिनट उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का है। इधर अब आपको एक चीज देखना है, तो कोण 30 डिग्री का हो गया, शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री का बना दिया। भवन के शिखर पर, भवन के शिखर, भवन को शिखर जो भैया ये भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराएगा, एक ध्वज मतलब झंडा, ध्वज को लहराएगा, तुम झंडा बना लो, ध्वज को लहराएगा तो झंडा बना दो, तो इधर से झंडा थोड़ी सी बना लेता है, जो इधर ए बिंदु है ये ए बना दो, अब ध्वज लहरा गया, तो ध्वज बना दिया, अब ध्वज लहराया है, लहराया गया, और पी से ध्वज के शिखर, पी से मतलब पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ पर पी से अब ध्वज को शिखर जो है झंडा जो अपना, ये ऐसे थोड़ी गौर चुका सके अपन,
ध्वज, ध्वज इधर से बिंदु मान ले, एक अन्य बिंदु मान ले सी, नाम यही नहीं तो नाम सी दे दे, सी दे दे, चार जैसे नाम ले कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोई भी नाम सब दे सकता है। इसको मिलाने के लिए हमको खुटी की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको मिला देंगे बड़े आराम से। हमने छोटा सा बना तो बहुत अच्छे से बनता, लेकिन हमने सोचा ऐसे ही बना दें आपको, बट टाइम लगे, लेकिन ऐसे मिला दिया हमने छोटाई से। अब बताओ पी से ध्वज, पी से जब पी है ध्वज है, ध्वज से शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा, उन्नयन पूर्व एते से बने, तुम्हारे जो तो 36 तल ले और जो ध्वज की जो दृष्टि का अवतरण देख रहे हैं, तना कौन ऊपर पहुंच गया, ऊपर नजर बढ़ा दी, जैसे अपन ध्वज झंडा ऊपर होगा तो अपनी नजरें भी बढ़ जाए, नजरें बड़ी ऊपर तो कोण भी बढ़ेगा, कोण भी बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, 45 डिग्री कोण बढ़ेगा। ठीक है, अब अपन निकाल लेगा ही में ध्वज दंड की लंबाई, ई ध्वज दंडा की इतने से इतना डंडा कितना है पूरा, ध्वज दंड की लंबाई निकालने अपन हम, और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई, ई ध्वज दंड की लंबाई तो कितनी हो जाएगी, ध्वज दंड कितना हो जाएगा, ध्वज दंड की लंबाई कितनी हो जाए पूरी, जो निकाल के हमने। अब इसमें अपन क्या करना है, अभी तो अपन ने चित्र बना लो, मान लो ये चित्र में लेते, चित्र में लिखेंगे हाल, ये चित्र में आकृति लिख देंगे, आकृति में आकृति से, आकृति में अपन ने बिंदु पी से 1 10 मीटर ऊंचे भवन को, मतलब 10 मीटर ऊंचे भवन के कितना दिया था जी, ए भी बराबर अपना 10 मीटर है। ठीक है, ए भी बराबर 10 मीटर, सीधा सीधा लिख देंगे 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो ए यहाँ दिया क्या अपना ध्वज दंड, देखो अपन ध्वज दंड पूर्व एत से हो जाए, अगर तुम ध्वज दंड देखो तो एत से जमीन से स्तर से देखो ध्वज दंड लगा तो, लेकिन ऊपर है अपन ध्वज दंड, बस की लंबाई जानो तो ध्वज दंड की लंबाई बस पता है अपन, ठीक है ना, ध्वज दंड, ध्वज दंड बराबर ध्वज दंड, हमें ध्वज दंड कितना लगाओ वो भी लंबाई निकालना अपना, 7 बजे वाली लंबाई ध्वज ए सी निकालना है, 7 बजे देखो लगा रखा चल जाए पता, कैसे आ रहा तो अपना पता ही, इधर तो भवन पता है तो ऊपर की निकालने पता चल जाए। देखो दिया क्या अपने सीधा लिख दो, बिंदु पी से 10 मीटर से भवन के शिखर पर उन्नयन कोण, तो ए बी बराबर भवन कितना, ए बी बराबर से लिखेंगे, ए बी बराबर हाँ बिंदु पी से भवन ए भी बराबर कितना दिया 10 मीटर, ज्यादा नहीं लिखना अपन लिखते हैं, ए भी बराबर 10 मीटर, और अपन पी भी ज्ञात करना, जो कुछ ज्ञात करना वो भी ले लें अपना, क्या करना है ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड के तो ही में ध्वज दंड ध्वज दंड के तो कहते हैं ए सी ज्ञात करना, तो अपने ज्ञात का करना वो लग हैं, सॉरी रुके जाओ, और अपने कौन 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 से रहते हैं ध्वज दंड का शिखर का उन्नयन कोण कहता था, तो उन्नयन कोण ई को उन्नयन कोण, तो अपना ए उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे आप भाषा बनानी वो बना दो, आपको इसमें कोई गलत कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं गलत होता। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना अपन का, भवन के शिखर पर जितनी तुम्हारे हिसाब से बन रही है अपने हिसाब से भाषा देश लिखा जाओ, भवन अपना इतना ही था, ठीक है इतना ही भवन था, और इतने में अपना उन्नयन कोण कितना बन रहा था, देखो 30 डिग्री बन रहा था, ये तो पूरे ध्वज दंड के शिखर पर उन्नयन कोण, तो इसमें बन रहा था उन्नयन कोण ए पी बी बराबर कितना बन रहा था 30 डिग्री, और अपन हाँ ध्वज दंड के शिखर पर उन्नयन कोण ध्वज दंड,
ध्वज दंड से पुण्य को, तो अन्यन कोण ध्वज दंड से अन्यन कोण कितना बना, अन्यन मतलब ध्वज दंड से देख, ध्वज दंड देखो सो अन्यन कोण कितना बना, अन्यन कोण कितना बना दीपा पूरा सी पी बी, तो कोण सी पी बी बराबर तो 60 डिग्री। अपना ज्ञात क्या करना भैया, ज्ञात करना का है, ज्ञात करने, ज्ञात करने में करना देखो ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, दंड की लंबाई तो मैं जैसा लिखवाओ वैसा लिखत सब में जो कछु नहीं कि मैं काय वैसा लिख दो। हमें ध्वज दंड की लंबाई कहते हैं, ध्वज दंड की हमें तो लंबाई का माने एसी, एसी है ध्वज दंड, ध्वज दंड एसी, एसी बराबर ज्ञात करना, ध्वज दंड एसी बराबर ज्ञात करना ठीक है। और अपन एक चीज निकाल लें, अपन ने निकाल लें बिंदु पी से संबंध की दूरी, और बिंदु पी से, बिंदु पी से भवन की दूरी हमने बिल्कुल इसी के हिसाब से बना के धरती भाषा चार जैसी लिख दो, कोई कुछ गलत नहीं होता यार भाषा इसमें चार जैसी लिख लो, लेकिन लिखना क्वेश्चन है कि तुम कहोगे ये क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की लगा दो तो भाई गलता हो जाएगा, तो हमने कुछ कहा तुम कहो तुमने जो कहो तो इसे कैसे दिक्कत देंगे। अपन ए की लिखेंगे बिंदु पी से भवन की दूरी, दूरी कितनी हुई पी बी है, तो पी बी निकाल लें हम, पी बी बराबर क्या जो चीजें अपन ज्ञात करने से अपने लिख लें। अब लिख दें अपन, देखें अब त्रिभुज अपन जो जो त्रिभुज में जिस दूरी में भाई तो बिल रहे हैं अपन ठीक है। अपन सबसे पहले दो त्रिभुज तो बने जाए, देखो एक त्रिभुज अपन छोटे से भवन वाला ले लें, पहले भवन को निकाल लें, भवन से अपन सो आधा निकाल लें, कैसे आधा तो दो त्रिभुज में आओ, सो हम जब जे वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी आधा की जरूरत पड़ेगी, तो अपन पहले आधा ही निकाल लें। तो भैया पहले क्या लगाने हैं अपन, त्रिभुज ए पी बी लेने हैं। अब त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में जिसमें जिसमें अपने क्या कहा, जिसमें जिसमें कोण भी कहा 90 डिग्री, मतलब जिसमें कोण भी, कोण भी जिसमें कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है और उन्नयन कोण या न्यून कोण बोल दो, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना रहेगा, उन्नयन कोण ई का उन्नयन कोण ए पी बी बराबर कितना 30 डिग्री है, इसीलिए इमें लग जाए कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति लग जाए कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लग जाए इन्हें। अब देखो त्रिकोणमिति उसमें ही काम करते हैं जिसमें कोण भी एक त्रिभुज, एक कोण समकोण है एक न्यून कोण है, तो आपके देखो ये त्रिभुज इतना सब है, त्रिभुज इतना दे दिया है आपका, ई की ऊंचाई 10 मीटर ठीक है, 10 मीटर है और जा आप निकालने हैं हमें ठीक है, कहते हैं न्यून कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री को, वो मैं समझ में आना चला रही हूँ हमें सर, इतने पी है इतने बी है और इतने ए है, हम ए पी बी त्रिभुज ले 90 डिग्री है भाई, हमें जब भुजा ज्ञात करने ए की भुजा पता है, और अगर त्रिकोणमिति अनुपात से देखे तो कौन सा अनुपात है, अगर देखो लंब बटे आधा से लगा है तो जब तुम्हारी लंब कैसे कोण न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने भुजा लंब हो तो जहां बैठा है न्यून कोण से आधा बोलते हैं, तो जब आधार है जब लंब, तो लंब बटे आधा लगा दो कौन से अनुपात निकल या देखो अपन भुजा क्यों कर दी, इसमें दो अनुपात दो भुजा रहती है, अनुपात बटे का रहता है, दो भुजाओं को बटे के रूप लिखा रहता है, और जो कौन से बनता है वो भी पता चलता है, कौन 10 30 है, मतलब जो 10 का अनुपात है लंब बटे आधा 10 का, तो लंब बटे आधा और 10 30 लगा देंगे तो 10 30 से सीधा आ जाएगा कितना 10 10 30 10 30, मतलब इसमें कौन सा अनुपात लंब बटे आधा का, तो लंब कितना का ए भी है, एक अनुपात पता हो एक ना पता हो तो भैया त्रिकोणमिति से निकल आता है, जो अपना पता हो एक गैर पता हो की लेने हो, ऐसे अनुपात ले होकर गयो जिन्हें एक भाषा पता हो एक ना पता हो, समय एक भाषा पता होती एक नहीं होती पता से बन, जो पता नहीं है बन गला है, जो अपना ज्ञात नहीं है वह आराम से निकाल उसमें अपना पीवी ज्ञात नहीं है, पीवी आ जाए हैं, पीवी भी अपना वैसे भी निकाल लेती, पीवी कितनी निकाल लेती है अपना भवन से भवन की दूरी ज्ञात कर लेती, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर, ए बी का मान कितना था 10, ए बी का मान 10 था पी बी, और इधर इसमें क्या आ जाएगा पी बी बराबर गुणा होगा तिरक, गुणा कर दो तो पी बी बराबर कितना जाएगा 10√3 मीटर, मीटर में दिया सब कुछ मीटर में, तो भैया इधर मीटर में लगाना पी बी बराबर आपके आगे पी बी तो आपने निकाल लिया पी पी बी पीवी कितने आ गई 10√3, अपने अगर बिंदु पी से भवन की दूरी था पीवी निकाल पीवी आ गई, अपने एक चीज और निकालने निकालने का भैया हम इसको मिटाएंगे जरूर क्योंकि बनेगा तो नहीं, इसमें मिटाना पड़ेगा ही,
तो आप लोग लिख लेना सर्वनुमक तहलो। ये त्रिभुजन नीचे का मिटा देंगे, इसको क्या काम है, हमने आपको समझा भी प्लान बनाया था, आधा तो हमें लगा देना। अब देखो अपन ई में पी भी नहीं करे, जो त्रिभुज तो लग गया ई के बाद बचा कौन सा त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज बचा, इधर सी है इसका, इधर बी है, इधर पी है, और इधर में एक कोण बन रहा था 45, बन रहा था, इधर कोण 90 डिग्री का था, और इसमें सी बी में कौन कौन से थे, सी बी में देखो ए सी बी मतलब सी बी पूरे रेखा, सी बी में क्या कहा, सी ए प्लस ए बी मतलब भवन भी है और ध्वज भी है, दोनों मिल रहा है, तो इतना लगा दे हैं, तो अपन इनमें 45 से का लग जाए 54 लंब बटे आधार, कैसे अपन नीचे की आधार पता चल कितनी है, 10√3 मीटर, कितनी है 10√3 मीटर है ना, तो अभी अपन लगा देने शुभारंभ से लगा देना ध्वज दंड की लंबाई, तो ये तो जो आधार अपन आपको पता चलो आधार कितना 10√3 मीटर है, कैसे जब पी भी अपन निकाल चुके, यही से तो निकालिए, अगले के लाने जब आप अपने ये पता है जा नहीं पता तो जाने का है, तो आराम से देखो इमें क्या लगा दें, इमें लगाइए पुनः त्रिभुज कौन सा सी बी या सी बी पी, सी बी पी में जिसमें कोण बी समकोण है, जिसमें कोण बी समकोण है और न्यून कोण बोल दिया, न्यून कोण कैसे दिक्कत नहीं है, न्यून कोण लग गया लिख दो, इसमें न्यून कोण कितना सी पी बी बराबर 45 डिग्री है, ठीक है 45 डिग्री, इसलिए क्या हो जाए, इसलिए कौन सा अनुपात लग जाए लंबा टाइम बे काम कर जाना लंबा टाइम 10 45 कोण कितना, तो कौन 10 45 जोन कौन से लगो मतलब न्यून कौन कितना था इसका 45, तो 45 लिखेंगे यहाँ अनुपात में लिखेंगे 10 45, अनुपात आपका 10 है और कौन से भाव 45 है, तो जी अनुपात अपना पता कहाँ से चला, ई खूंट से, खूंट मतलब कौन से कुत्ते कौन कितने डिग्री कौन से 45 से देखा था हमने, 45 डिग्री से लंब बटे जी लंब जा है और आधा नीचे किसी कोई को नाम 45 डिग्री 10 जी तुम्हारा भुजंग के अनुपात का नाम लिखा है, कौन कौन भुजा सी बी का और बटे में पी बी का, इन भुजाओं के जो नाम लिखे हैं, ठीक है जी त्रिकोण के अनुपात होते हैं नाम होते हैं लंब बटे आधार का नाम क्या होता है 10, और कौन से खूंट से 45 से 45, अब 10 45 के भी मान होता है सामने में याद रखना, 10 45 का मान कितना होता है 1 और सी बी कितना है, सी बी में आप देख रहे हैं यहाँ पर ए सी प्लस, तो ए सी सी बी में ए सी प्लस और कहा है बी ए मतलब ए बी चार बी ए सोचो, अब पी बी का है पी बी तो अपने 10√3 है ये, अब इधर 10√3 रख दिया, इधर से इसको लगाएंगे बंद कर देंगे, अब इसमें 3 गुणा करेंगे तो ए सी आ जाएगी, ए सी बराबर कितना हो जाएगा AC प्लस के ए बी का मान कितना है, ए बी का अपना पता था ए बी बराबर 10 मीटर है, ए बी 10 मीटर रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे 10√3 गुणा होगा तो ये 10√3 जाएंगे कितना आ जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा ए सी कितना जाएगा 10√3 माइनस के 10 को रूट के कौन मिल जाएंगे 10√3 माइनस के 1 मीटर आ जाएगा, तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी आ गई भैया ए सी, ध्वज दंड की लंबाई कितनी आ गई ए सी आपकी 10√3 माइनस के 1 मीटर आ गई। इसमें अपन को एक चीज दी थी कि यहाँ पर रूट कमान भी यूज करना, तो रूट कमान 1.732 जो अपन रखोगे तो यहाँ पर रख दे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है ऐसे ही रख लें तो रख दे, संकेत में दिया था रूट पी भी बराबर कितना हो जाएगा 10√ का मान कितना था 1.732, 10 का गुणा करोगे इसमें कितना बन जाएगा, 1 दशमलव खसाएगा आएगा तो 17.32 मीटर बन जाएगा, इधर लगभग में लिख देंगे लगभग, ठीक है लगभग ऐसे ये बने इसमें करना है, रुक जाओ इधर ए सी का मान पूरा है ना, ये पी बी का मान कितना लिखा है पी बी जो रूट वाला नहीं रखेंगे सी का अपन का करें, या तो मान सर जी भी दे देना कोई दिक्कत गलत नहीं होगा, लेकिन भैया अपन अगर जी दे रहे हैं तो अपन इधर रूट कमांड रख रहे तो आप आंसर वैसा भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहे ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रूट कमांड तो रूट रखेंगे रूट कमांड ए सी रखेंगे तो 10√3 जाएगा 1.732 माइनस के 10, ठीक है गुणा कर देने 17.32 माइनस के 10 घटाएंगे तो ए सी बराबर कितना जाएगा, ए सी बराबर कितना जाएगा इधर दिखेगा नहीं शायद ए सी कितने आ जाए, ए सी बराबर 7.32 आ जाएगा, ए सी कितनी आ जाएगी मतलब 7.32
32 मीटर आ जाए। देख रहे हो, चांद देख रही हो? चलो घटा आ इतने तो कर ही लोगे। हाँ दिख रहा, फिक्स है, दिख ही रहा, इसमें कुछ नहीं जाता। बस इतना करना, देखो आपकी अवतहा में आप लिख दोगे कैसा अतः कैसा लिखोगे। हम इसको मिटा दे रहे थे, दिया हमें इधर से मिटा दे रहे थे, बता दे रहे लिख के कैसा, इधर जैसा लिखा था सब ध्वज दंड की लंबाई तो लिख देंगे अतः अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई कितनी है? ध्वज दंड कौन है तो भैया इसमें एसी या तो ध्वज एसी के तो सात एसी ध्वज दंड की लंबाई 7.232 मीटर और बिंदु बिंदु पी से भवन की दूरी, बिंदु पी से भवन की दूरी दूरी कितनी है? दूरी अपनी कितनी है कि 17.32 मीटर है। जी आपका आ गया, ठीक है इतना। अगर आप लोग ने इतना कर दिया यहाँ पर आंसर, ये सब कर दिया, इतना कुछ आगे ऐसा नहीं लिखा था, हमें आंसर नहीं बताया, मेन चीज तो ये तो आपने सिर्फ इन मानों को निकाल इन मानों को निकालने के लिए जी किया। अब आंसर तो आपको बताना है कि भैया हमने जो निकाल दिया जी बता देना। जी आपको देखा कर मैंने, इसका नंबर एक मिलता अलग से, ठीक है आपका 4 नंबर होगा तो भैया एक दुनिया में देगा और बीच में 2 नंबर दे देगा, 2-3 नंबर बीच में मिल जाएंगे, एक अतः का मिलता है तो आपके टोटल 4 नंबर ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है एक दे देगा तो भैया दो आपको बीच में दे देगा, एक लास्ट में देगा, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे ऐसे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। धन्यवाद। वैसे भी क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, इसकी भाषा समझाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बहुत लंबा वीडियो भी हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।